हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि असेंबली रिकर्सन, मैक्रोस और मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या होती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो पहले तो देख लेते कि असेंबली रिकर्सन क्या होता है। चीज जैसे कि आप किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर वन टाइप ऑफ रिकर्सन होता ही है, मतलब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। फिर उसके बाद मैक्रोज आ जाता है, तो मैक्रो का मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ मैक्रो, मतलब मेरे पास जो भी प्रोग्रामिंग थी उस प्रोग्रामिंग के अंदर मुझे कुछ नया ऐड करना है तो उसे यहाँ पे मैक्रोज बोला जाता है। ठीक है, मतलब मैक्रो की कोडिंग आप करने के बाद उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर भी आप कुछ एडिशनली ऐड कर सकते हो, मतलब उसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है कि मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब आपके आपने जो भी डेटा ऑक्यूपाई किया है या फिर बनाया है उसको किस तरीके से मैनेज करना है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट भी दी, जो हर एक लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट उसका बताया जाता है। वैसे यहाँ पर भी असेंबली प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक मेमोरी मैनेजमेंट, मैक्रो और रिकर्सन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि असेंबली रिकर्सन क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो इसको हम जान लेते हैं असेंबली रिकर्सन क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो अब देखने वाले तो रिकर्सन क्या होता है। तो रिकर्सन प्रोसीजर इज वन दैट कॉल इटसेल्फ। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ फंक्शन है जो फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता रहता है जब तक आपकी फंक्शनलिटी, मतलब आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। ठीक है, तो ये होता है वन टाइप ऑफ फंक्शन। आप नॉर्मल फंक्शन जो बना तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वही फंक्शन होता है, पर इसके अंदर क्या होता है कि बार बार फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, मतलब अपने अंदर जाएगा और उसी को और खुद को ही कॉल करेगा। मतलब वहां पे आपको एक कंडीशन मैट करवानी पड़ेगी, जो कंडीशन सही हो रही है तो आपकी कंडीशन रिकर्सन वो फॉल्स हो जाए, मतलब उसमें से बाहर आ जाए, तब तक वो एक दूसरे एक बार बार अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पे रिकर्सन बोला जाता है। रिकर्सन ऑलवेज फंक्शन के साथ यूज होता है। फिर उसके बाद दिया गया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिकर्सन। तो यहाँ पे दो तरीके के अलग अलग रिकर्सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है डायरेक्ट रिकर्सन और दूसरा है इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया कि इनडायरेक्ट रिकर्सन द प्रोसीजर कॉल इटसेल्फ, वो खुद को ही कॉल करती है। एंड इन इनडायरेक्ट रिकर्सन द फर्स्ट प्रोसीजर कॉल द सेकंड प्रोसीजर। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरीके की प्रोसीजर, मतलब फंक्शनलिटी बनाई जाती है, जैसे कि सब रूटीन हम बनाते हैं। ठीक है, सब रूटीन मतलब वन टाइप ऑफ स्मॉल ऑफ कोड। ठीक है, स्मॉल कोडिंग रहती है जिसके अंदर हमें जो भी चाहिए उसके मुताबिक ही उसकी कोडिंग वहां पे हमने की होगी। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की फंक्शनलिटी हमने फंक्शन बना के रख दिए, प्रोसीजर बना के रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस प्रोसीजर को कॉल करवाने को, और फर्स्ट प्रोसीजर चलेगी तो उसके बाद ही उसके अंदर से ही दूसरी प्रोसीजर चलनी चालू। ठीक है, तो विच इज टर्न कॉल द फर्स्ट प्रोसीजर, तो वापस फर्स्ट प्रोसीजर को कॉल करेगी, तो इसे इनडायरेक्ट रिकर्सन बोला जाता है। मतलब फर्स्ट प्रोसीजर दूसरे को कॉल करेगी, दूसरी वो फर्स्ट को कॉल करेगी, तो इसे यहाँ पे इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट मतलब प्रोसीजर खुद को ही कॉल करती है उसे यहाँ पे डायरेक्ट रिकर्सन बोला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की रिकर्सन है। यहाँ पे रिकर्सन कुड बी ऑब्जर्व इन न्यूमेरियस मैथमेटिकल एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम के द्वारा उसको यूज किया जाता है। मोस्टली आपकी जो भी एल्गोरिदम बनती है वो मोस्टली रिकर्सन के बेस पे ही बनती है, क्योंकि किसी भी तरीके की आप वेरिएबल या कुछ भी फंक्शनलिटी वहां पे अप्लाई कर दोगे, जब तक वो डेटा मीट नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, तो उसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दी गई है कि फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर की कंडीशन जब तक जीरो या जीरो से कम नहीं होगी तब तक वो घूमती रहेगी, मतलब अपने आप को बार बार वो कॉल करती रहेगी। तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई कि फैक्ट नाम का एक एल्गोरिथम है, उसके अंदर आपको जो भी नंबर पास करवाना वो पास कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो भी आपके पास नंबर है इनटू फैक्ट, मतलब जो फैक्ट है वो खुद को ही कॉल करेगा, मतलब वो वापिस फैक्ट यहाँ पे जाएगा, पर यहाँ पे जो भी नंबर दिया उसमें से एक माइनस होके जाएगा वापिस। वो यहाँ पे कॉल करने आने के बाद जिसकी जो एक वैल्यू कम थी उसमें से भी वापस एक वैल्यू कम होती है, मतलब एक एक वैल्यू कम होती है कि पांच है तो चार, तीन, दो, एक, जीरो, जैसे जीरो होगा तो आपकी कंडीशन यहाँ पे मैट हो जाएगी, तो वो रिकर्सन आपका फॉल्स हो जाएगा। तब तक आपको लास्ट वैल्यू जो उसका कैलकुलेशन करके दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिकर्सन यहाँ पे वर्कआउट होता है।
ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई है, उसकी प्रोग्राम भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो ऊपर हमने एग्जांपल अभी पढ़ा है उसके जो रिलेशन है उसका जो एग्जांपल है उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया था कि फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ फाइव, जैसे कि यहाँ पे उसने क्या दिया, एन दिया, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एन की जगह पे फाइव ले रहे हैं। 5 इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, मतलब इन सब का मल्टीप्लाई। अगर आप वहां पे 7 ले रहे हो, 7 ले रहे हो, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, इस तरीके से फैक्टोरियल को गिना जाता है, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है। तो फैक्टोरियल ऑफ 4, एंड दिस कैन बी गुड एग्जाम्पल ऑफ शोइंग रिकर्सन। रिकर्सन को देखने के लिए ये फैक्टोरियल का बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। Every recursive algorithm must have an ending condition. तो जितने भी तरीके के आप recursive function use करते हो या फिर recursion use करते हो, वहाँ पे एक last में false condition met आपको करवानी ही पड़ेगी, तभी आपकी recursion है वो कभी false होती है, ठीक है, वरना वो कभी false नहीं होती और infinite loop के अंदर वो चली जाएगी। तो last में algorithm के अंदर आपको एक condition met करवानी पड़ेगी जिसकी मदद से वो false हो जाएगा। The recursive calling of the program should be stopped when condition is fulfilled. ठीक है, तो जब तक recursive की calling of program, मतलब वो जब तक program को call करता रहेगा, वो stop कब होगा, जब आपकी condition fulfill होगी, मतलब सही होगी, met होगी, ठीक है, तब, ठीक है, तब तक वो अपने आप को call करवाता रहेगा। In the case of factorial algorithm, the end condition is reached when n is zero. जब तक n zero नहीं हो जाता, तब तक आपका recursive, मतलब वो factorial के लिए बताया गया है, किसी दूसरे algorithm के लिए नहीं बताया गया, सिर्फ factorial के लिए, जब तक n की condition zero नहीं होती, तब तक वो घूमता रहता है। तो उसकी यहाँ पे साइड में आपको एक प्रोग्राम भी दी गई है जिसके अंदर आपको सारा कुछ कैलकुलेटर और उसका यहाँ पे साइड में फंक्शनलिटी भी एक्सप्लेन की गई है, भाई क्या किस चीज की मदद से, कौन सी असेंबली लैंग्वेज की मदद से क्या चीजें होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरस्कोर स्टार्ट की मदद से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और यहाँ पे कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल फॉर 3, मतलब 3 फैक्टोरियल के लिए मुझे क्या चाहिए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमें आउटपुट आना चाहिए 6, तो उसकी यहाँ पे फैक्टोरियल की कॉलिंग है, मतलब कॉल फैक्टोरियल, मतलब प्रोसीजर की जो भी फैक्टोरियल की प्रोसीजर वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद उसने क्या किया कि 30h वो x के अंदर स्टोर कर दिया और x के अंदर फैक्ट नाम के फंक्शन को स्टोर कर दिया। फिर उसकी लेंथ और कितनी बार उसको मेमोरी के अंदर से कॉल करवाना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हो और साइड में भी आपको डिस्क्रिप्टर्स अच्छे से दिया हुआ है, तो ये आपके यहाँ से समझ सकते हो भाई किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये हमारी रिकर्सन थी। आई होप रिकर्सन आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि क्या चीज होती है, और इसके अंदर और भी डिटेल में आपको जाना है तो आप नेट पे ट्यूटोरियल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं रिकर्सन एग्जैक्टली किस तरीके से यूज किया जाए। मैंने आपको जस्ट उसकी कॉन्सेप्ट समझाई क्या होता है। ठीक है, फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसे यहाँ पे रिकर्सन बोला है, मैं वो फंक्शन के केस में ही यूज किया जाता है और दूसरे केस में रिकर्सन यूज नहीं होता फंक्शन के केस में। ठीक है, तो जैसे ही हमारा रिकर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसके बाद हम मैक्रो, तो मैक्रो के बारे में हमने इससे पहले भी शायद पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने मैक्रो के बारे में डिटेलिंग में आपको बताया था कि मैक्रो एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर तो यहाँ पे वही चीज मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि मैक्रो क्या होता है और उसकी सिंटैक्स सिंपल से। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि राइटिंग अ मैक्रो इज अनदर वे ऑफ इंश्योरिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जिस तरीके से आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए एक अलग से एक मैक्रो दिया, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आप कुछ नया प्रोग्राम अपनी तरीके से डाल सकते हो, उसे यहाँ पे मैक्रो बोला जाता है। मैक्रो इज अ सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मैक्रो क्या होता है कि वन टाइप ऑफ एक इंस्ट्रक्शन है जो सीक्वेंस के फॉर्मेट में, मतलब एक स्टेप होने के बाद ही दूसरी उसकी इंस्ट्रक्शन रन होगी, दूसरी खत्म होने के बाद ही तीसरी होगी। ठीक है, फिर असाइन बाय नेम एंड कुड बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, तो किसी भी चीज को असाइन कर सकता है, उसको नेम दे सकता है और एनीवेयर प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी आप उसको लिख सकते हो, मतलब प्रोग्राम आप मैक्रो के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हो। उसे यहाँ पे रन करने के लिए NASM की जरूरत पड़ती है। ठीक है, NASM का फुल फॉर्म मैंने शायद इससे पहले भी आपको बता दिया था। फिर
मैक्रो को रन करने के लिए या फिर प्रोसेसर को चालू करने के लिए मैक्रो आर डिफाइन विद परसेंटेज मैक्रो। मैक्रो जैसे ही लिखोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे आपको लिखना है परसेंटेज एंड मैक्रो डायरेक्टिव। इस तरीके की डायरेक्टिव आपको देनी पड़ेगी। जैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर हैज इंक्लूड देते हो तो आपकी वन टाइप ऑफ डायरेक्टिव होगी, वहां से वो फंक्शन उठा के लाएगा। वैसे ही मैक्रो के अंदर भी बहुत सारे फंक्शनलिटी होते हैं, तो जैसे आप परसेंटेज मैक्रो लिखते हो तो उसके अंदर जो भी फंक्शन पड़े वो आप यूज करते हो उसके अंदर। ठीक है, तो मैक्रो बिगिन विथ परसेंटेज मैक्रो डायरेक्टिव एंड विथ परसेंटेज एंड मैक्रो डायरेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसकी सिंटैक्स किस तरीके से होती हो तो मैंने आपको बता दिया भाई, इस तरीके से वो चालू होगा, इस तरीके से वो बंद होगा। ठीक है, तो उस वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वेयर इज द नंबर ऑफ पैरामीटर स्पेसिफाई द नंबर पैरामीटर मैक्रो नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द मैक्रो। ठीक है, तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि परसेंटेज मैक्रो पैरामीटर्स वो आपको क्या डिफाइन करता है कि कितने पैरामीटर आपको पास करने हैं, और मैक्रो नेम स्पेसिफाई करता है कि उस मैक्रो का नाम क्या रखना है। ठीक है, फिर एक तो मैक्रो इज इनवोक बाय यूजिंग अ मैक्रो नेम अलोंग विद नेसेसरी पैरामीटर्स, मतलब वो सम पैरामीटर के थ्रू मैक्रो को इनवोक किया जाता है। व्हेन यू नीड टू यूज सम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मेनी टाइम इन अ प्रोग्राम यू कैन पुट दोज इंस्ट्रक्शन इन अ मैक्रो। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन यू नीड, जब आपको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है हर बार बार एक ही तरीके की प्रोग्राम की आपको बार बार जरूरत पड़ती है, तो आप मैक्रो के अंदर उस सीक्वेंसेस को सेट कर सकते हो, और कभी भी आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर वो चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, मतलब एक ही बार आपको डिफाइन कर देना है, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर सेट हो गया, कभी भी चाहिए तो एक लाइन लिखोगे तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन मैक्रो के अंदर जो भी आपने डिफाइन करके डाला था, ठीक है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बार बार आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक यू कैन पुट दोज इंस्ट्रक्शन इन अ मैक्रो एंड यूज इट इंस्टेंट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑल द टाइम, मतलब बार बार लिखने की वजह के अलावा आप एक ही बार प्रोग्राम को यूज कर सकते हो, मतलब एक ही बार आप बना दोगे तो उसको हर बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन और उसकी सिंटेक्स भी दी गई है कि परसेंटेज मैक्रो नेम, मैक्रो के बाद मैक्रो नेम, मैक्रो अंडरस्कोर नेम, उसके बाद नंबर ऑफ पैरामीटर, और उसके एंड में एंड मैक्रो आपको लिखना पड़ेगा, और जो भी आपको बॉडी के अंदर लिखना है वो सारा कुछ आपका प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो इससे पहले भी हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था, पर किसके अंदर पढ़ा था, अगर आपने शायद जावा या कोई अदर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट आता है। सी लैंग्वेज के अंदर भी आई थिंक आता है कि मेमोरी मैनेजमेंट, उसके लिए यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज किया जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है वहां पे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के फॉर्मेट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया तो सिस्टम ब्रेक, मतलब यहाँ पे वन टाइप ऑफ आपको सिस ब्रेक नाम की एक फंक्शन दी गई है जो सिस्टम कॉल है, जिसकी मदद से वो मेमोरी को अलोकेट करेगी कि कितनी मेमोरी आपके पास प्री पड़ी हुई है और फ्री है तो कौन से लोकेशन से वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो वो सारा काम किसका रहता है, सिस ब्रेक नाम के फंक्शन का होता है, जो आपका जो कर्नल लेता है, मतलब जो आपकी हार्डवेयर है उसको वो जानकारी पहुंचाता है, इन्फॉर्म देता है कि किस तरीके की मेमोरी यहाँ पे चाहिए और कितनी मेमोरी चाहिए, वो सारा कुछ रिक्वायर करके रहता है ये फंक्शन। ठीक है, सिस ब्रेक, तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि सिस ब्रेक सिस्टम कॉल इज प्रोवाइडेड बाय कर्नल। ठीक है, तो सिस ब्रेक फंक्शन है वो किसके द्वारा कॉल किया जाता है, सिस्टम के द्वारा कॉल किया जाता है टू अलोकेट अ मेमोरी विदाउट नीड ऑफ मूविंग इट लेटर, मतलब उसको बाद में मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर दूसरे डेटा को भी मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक दिस कॉल एलोकेट मेमोरी राइट बिहाइंड द एप्लीकेशन इमेज इन द मेमोरी, मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी वो एज अ इमेज के फॉर्मेट में मेमोरी के अंदर स्टोर करेगी, और आपका जो डेटा है वो भी वहां पे तो स्टोर होगा ही,
टेम्पररी अपने जहाँ से उठाया उसको वहाँ पे तो होगा ही, पर एक वन टाइप ऑफ इमेज के फॉर्मेट में डेटा को उठा के वो नई मेमोरी के अंदर लोकेशन पे स्टोर कर देगा। ठीक है, अब आप कभी भी डेटा को डिलीट करने की ट्राई करते हो तो क्या कहता है कि मेमोरी में से परमानेंटली डेटा नहीं डिलीट करता, उसका जो लोकेशन होता है स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है वो स्टार्ट, उसको डिलीट कर दिया, मतलब आप बैकअप वहां से ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब आप बैकअप, बैकअप का मतलब ही हो जाता है कि आपने उसकी जो फ्रंट व्यू की लोकेशन थी वही डिलीट की है, स्टार्टिंग एड्रेस, उसके बाद की जितनी भी एड्रेस थी वो तो वहां पे लोकेशन के फॉर्मेट, डेटा के फॉर्मेट में पड़ी हुई है, जब तक आप उसको ओवरराइट नहीं करते तब तक डेटा आपका वहां पे पड़ा रहता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक दिस सिस्टम फंक्शन अलाउ यू टू सेट हाईएस्ट अवेलेबल एड्रेस इन द डेटा सेक्शन, मतलब जितनी भी हाईएस्ट अवेलेबल, मतलब आपको 10 चाहिए तो वो क्या करेगा कि आपको ढूंढ कर देगा कि 1000 स्पेस कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वहां पे आप डेटा स्टोर एलोकेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बाद में कभी भी आपको मेमोरी बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो आप वहां पे डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इतने बाइट आपको एक साथ एलोकेट करके दे देता है। दिस सिस्टम कॉल्ड टेक वन पैरामीटर विच इज हाइएस्ट मेमोरी एड्रेस नीडेड टू बी सेट। ठीक है, तो सिस्टम कॉल होता है उसके थ्रू एक ही पैरामीटर पास किया जाता है और उस पैरामीटर के अंदर हाईएस्ट मेमोरी, मतलब जितनी भी बाइट की जरूरत होती है वो वहां पे पास कर दी जाती है, मतलब वो एड्रेस उसको मिल जाती है, मतलब जितना भी डेटा पड़ा होगा वहां पे उसकी स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाती है। फिर क्या होता है कि दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन ईबीएक्स, मतलब उसकी जो हाईएस्ट मेमोरी की एड्रेस थी वो ईबीएक्स नाम के रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ एनी एरर सिस ब्रेक रिटर्न माइनस एरर, किसी भी तरीके की मेमोरी के अंदर मुझे नहीं मिला, एलोकेट नहीं हुआ मेमोरी, उसको ऑक्यूपाइड नहीं हुई, तो वो रिटर्न करेगा -1 और रिटर्न नेगेटिव एरर कोड इटसेल्फ, मतलब वो खुद को ही माइनस की वैल्यू रिटर्न करेगा ताकि पता चलेगा कि कर्नल की ओर से उसे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। The following example demonstrate the dynamic memory allocation. जो following एग्जाम्पल आपको दिया गया है उसके थ्रू आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब उसकी प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे आपको दी गई है कि सिस ब्रेक को किस तरीके से यूज किया था, तो उसके लिए यहाँ पे ईबीएक्स नाम के रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है कि यहाँ पे देखो मूव ईएक्स 45, तो इसकी मदद से सिस ब्रेक कॉल होता है और जो भी उसकी मेमोरी लोकेशन होती वो ईबीएक्स के अंदर उसने स्टोर कर दी, तो उसकी हाईएस्ट यहाँ पे 80 थी मेमोरी लोकेशन और नंबर ऑफ बाइट, तो ये क्या कहता है कि 16,384 बाइट को एक साथ ऑक्यूपाई कर लेता है और जो भी ईएक्स के अंदर डेटा स्टोर हुआ तो ईबीएक्स के अंदर पास कर दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मूव था वही चीज यहाँ पर भी हो रही थी। ठीक है, अब क्या करना है कि ईएक्स के अंदर जो भी डेटा था वो 45 था वो ईएक्स के अंदर स्टोर हो गया, वापस यहाँ पे सिस ब्रेक को कॉल करवाया और नीचे की साइड यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपेरिजन हो रहा है कि जब तक लेस देन होगा तब तक मेमोरी, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो डेटा को स्टोर करता रहेगा, मतलब उसकी जो हाईएस्ट अवेलेबल एड्रेस होगा वो उसको मिल जाएगा, मतलब उसको क्या मिली अभी 4096 नाम की एड्रेस मिली है। ठीक है, तो जैसे ही अब नीचे की साइड आएगी तो यहाँ पे मुझे वापस दे रहा है कि मेमोरी के अंदर उस लोकेशन को किस तरीके स्टोर करवाना है, तो उसकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ECX मैसेज पास कर दिया, उसकी लेंथ उसने फाइंड आउट कर ली और जो भी मैसेज था उसने वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो सेक्शन के थ्रू आपको क्या मिलेगा मैसेज के अंदर के एलोकेटेड 16 KB ऑफ मेमोरी, मतलब उसको क्या मिला है 16 KB का डेटा मेमोरी लोकेशन उसको मिल गया, तो उसकी लेंथ कितनी हुई यहाँ पे हमें 16 KB, मतलब बहुत सारी मेमोरी उसको ऑक्यूपाई एट अ टाइम मिल गया, मतलब उसकी जो हाईएस्ट मेमोरी थी वो उसको वहां पे मिल गई। तो इस तरीके से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की प्रोग्रामिंग की एल्गोरिदम की जाती है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ओके, तो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन थे, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि रिकर्सन असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जो अदर लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है वही यहाँ पे हमने देखा, उसकी सिंटैक्स देखी, उसकी बेस्ट एग्जांपल हमने देखी, फिर मैक्रो था कि मैक्रो हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ था, तो उसकी यहाँ पे डायरेक्टिव और उसकी
सिंटेक्स हमने देखी और उसकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि वन टाइप ऑफ असेंबली लैंग्वेज के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है और किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन से रजिस्टर की जरूरत पड़ी, अगर उसे मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ तो क्या किस तरीके से डेटा रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की वन टाइप ऑफ एक प्रोग्राम भी दी गई है, ठीक है, जिसकी मदद से जितना भी डेटा होगा वो उसके लोकेशन को फाइंड आउट करता है कि किस तरीके से डेटा स्टोर करवाना। तो उसकी यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से एल्गोरिथम की जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।